कि जहां पर रुद्रपुर के एपण राखियों ने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रखी है, जिसकी धूम दुनिया भर में देखने को भी मिल रही है। एपण राखियों की बढ़ती मांग से महिलाओं को भी अच्छा रोजगार मिल रहा है। उत्तराखंड की एपण कला घरों की दहलीज पर दिखाई देती थी, उसके बाद यह कला करवा चौथ की थाली, फ्लावर पोट, टोपियों और अधिकारियों के कार्यालयों के बाहर देखने को लगी और नेम प्लेट पर भी दिखाई देने लगी। लेकिन उत्तराखंड की यह कला एपण हाथों पर भी सजी दिखाई दे रही है। वहीं अनेक महिलाएं एपण कला से विभिन्न प्रकार की राखी तैयार कर रही है और इन राखियों की 20 रुपये से लेकर के 50 रुपये कीमत है। एपण उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण लोक कला का संरक्षण हो रहा है। इन तैयार उत्पादों को सोशल साइट के माध्यम से भी ऑनलाइन बेचा जाता है। एपण आर्ट की संचालिका दीपा मटेरा ने कहा कि इस बार एपण राखियों की मांग आ रही है। दिल्ली, मुंबई, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद समेत कई राज्यों में सैकड़ों राखियां कूरियर के माध्यम से भेजी गई है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। कुवैत मैं भेज चुकी हूँ मैं राखी, और सिंगापुर, अमेरिका, ये 3 जगहों विदेशों से मेरे पास ऑर्डर आ चुका है। वहाँ मेरी राखियाँ पहुँच भी गई हैं। वहाँ की इंडिया की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, जयपुर, चंडीगढ़, ये सभी जगहों में राखियाँ भेज चुकी हूँ। और बाकी उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ तो फिर इसकी डिमांड तो काफ़ी है, काफ़ी प्रचलन में है अभी एपण का वर्क। और रुद्रपुर की बात करूँ तो सर मैं मार्केट में भी राखियों को उतार चुकी हूँ और काफ़ी डिमांड इसकी आ रही है, मतलब इतनी डिमांड आ रही कि बना भी नहीं पा रहे हैं।